नंबर वाले क्वेश्चन नहीं समझ पाए, तीन तीन नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी फिजिक्स से आज मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। अगर आप इतना तर्क लेते हो ना तो ये गारंटी है कि 95+ या तो 90+ आपका जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी फिजिक्स से तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। पहला नंबर क्या है, गुलाम के नेम, ये तीन नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये तीन नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नंबर नहीं पूछा जाता। ठीक, गुलाम के नियम का निगमन पूछा जाता है मिला के 5 नंबर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक, दूसरा नंबर क्या है, एम्पियर के नेम, एम्पियर के नियम अगर किसे कहते हैं ये पूछा जाएगा तो 3 नंबर करेगा। एम्पियर के नियम लिखे था इनके परिपथ द्वारा, है ना, व्यंजक कीजिए, इसलिए आपका 5 नंबर का, जो कि मैंने बता रखा। तीसरा नंबर क्या है, गॉस का नियम लिखिए, इतना अगर पूछता है कि गॉस का नियम किसे कहते हैं, सूत्र सहित लिखिए, तो मेरे भाई 3 नंबर का आएगा। ठीक, चौथा नंबर क्या, मेरे भाई किरचाफ के नियम किसे कहते हैं, किरचाफ के नियम का व्यंजक लिखिए, सॉरी किरचाफ के नियम किसे कहते हैं तथा इसका सूत्र लिखिए, है ना, तो ये 3 नंबर का आता है। ये सारे के सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन है मेरे भाई। पांचवा नंबर क्या है कि ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा कि ओम का नियम किसे कहते हैं, एक पूछा जाता है कि ओम के नियम किसे कहते हैं तथा इनका निगमन कीजिए। वो निगमन कीजिए अगर लगता है तो 5 नंबर का, अगर ऐसे ही पूछा जाएगा कि ओम के नियम किसे कहते हैं सूत्र सहित लिखिए तो ये आपका 3 नंबर का होगा। तो इसीलिए ध्यान देना है, भटकना नहीं है, 3 नंबर 5 नंबर क्लियर करने से अच्छा है कि 5 नंबर वाला क्लियर करोगे, उसमें दोनों तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। छठो नंबर क्या मेरे भाई, विद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट है यार, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। दो नंबर क्वेश्चन क्या मेरे भाई, धारा घनत्व कैसे कहते हैं, इनकी बीमा लिखी तथा इनका सूत्र लिखिए, तो धारा घनत्व वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या देखो, क्वेश्चन पूरा लिखना तभी 3 नंबर मिलेगा, 3 नंबर कोई आसान नहीं होता है। कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, इनका बीमा लिखिए तथा इनका सूत्र लिखिए तथा इनका मात्रक लिखिए। ठीक, ध्यान रहे मात्रक बीमा सूत्र धारा घनत्व का याद होना चाहिए तभी मिलेगा 3 नंबर। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर क्या है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 9वां नंबर क्या है कि सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ठीक, तो सॉफ्टवेयर वाला भी तैयार होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या मेरे भाई, 10वां क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि सॉफ्टवेयर गुणांक से आप क्या समझते हैं, सॉफ्टवेयर गुणांक से आप क्या समझते हैं, सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं ये अलग है, सॉफ्टवेयर गुणांक कैसे कहते हैं ये अलग है। ध्यान रहे दोनों, भटकना नहीं, गुणांक है ये से आप क्या समझते हैं परिभाषा है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सॉफ्टवेयर वाला तैयार जरूर कर लेना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यार, पूरी वीडियो ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आज 3-3 नंबर जितने भी है पूरा बता रहा हूँ फिजिक्स के। ठीक, 11वां नंबर क्या है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ने में अच्छा तो आप समझ गए होंगे ना, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम, ये दाएं हाथ का नियम है, ये बाएं हाथ का नियम है। ठीक, तो अगर चाहते हो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना अनिवार्य है, और कमेंट जरूर कर दे करो ठीक, कि वीडियो कैसी लगी मेरे भाई। 13वां नंबर क्या है, फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, फराडे के जितने विद्युत चुंबकीय तरंग है वही तो लिखा है, फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है 13वां नंबर भी। तो मेरे भाई जैसा कि हम आपको यही बताएंगे कि 13वां नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं 14वां नंबर, अभी और है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या मेरे भाई, प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का मान का व्यंजक कीजिए। ठीक, 2018 में आया है, 19 में आया है, 20 में आया है, 23 में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, 3 नंबर के सूत्र को निगमन करने वाला है, 3 नंबर का आता है बस, इससे ज़्यादा नहीं आता, इंपॉर्टेंट है तैयार कर लेना है। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेत्र की समझन क्षमता क्या है, किसे कहते हैं, पूरा सही बताइए। ये फिजिक्स का सेकंड का है मेरे भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो तैयार जरूर कर लेना है यार। 2019 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में भी आया है, रिसेंटली अगले साल आया था, ये वायरल क्वेश्चन है। तो नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। अब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, इन सब का जितना भी बता रहा हूँ क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट, इन सब का आंसर मैंने बता रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर तैयार कर लेना मेरे भाई, या तो फिर प्लेलिस्ट से आप चेक कर सकते हो। 16वां नंबर क्या है, अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए, अवतल लेंस का प्रथम फोकस की परिभाषा। 17वां नंबर क्या है, अवतल लेंस के द्वितीय फोकस। 18वां नंबर क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो अभी तक अगर आपने नहीं ध्यान दिया है इससे तो आप पढ़े होंगे 9 में भी, 10 में भी, 11 में भी, नहीं अच्छे से पढ़ पाए हैं तो इस समय भी तैयार कर लेना, क्योंकि इंटर में आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है इस बार। ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे भाई, 19वां नंबर क्या है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, कला संबंध स्रोत किससे कहते हैं। ठीक, आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछा जाएगा, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, या फिर पूछा गया कला संबंध स्रोत से किससे कहते हैं। ठीक मेरे भाई, 20वां नंबर क्या है, द्वितीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, द्वितीय अपवर्तन क्या है, इसको इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना। ठीक, नंबर क्वेश्चन क्या मेरे भाई, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर, भाई व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, इसमें अंतर बताना है। अब इनका आंसर कहाँ मिलेगा, मैंने लिंक लगा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 5 महत्वपूर्ण हमने फिजिक्स के आंसर बताया था अंतर वाला, तो वो कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब सारे के सारे आंसर हैं इसके नीचे। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, प्रकाश के व्यतिकरण किसे कहते हैं, व्यतिकरण वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 3 नंबर का आता है। ठीक, 23वां नंबर क्या है, कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन किसे परिभाषा लिखिए, कार्यफलन क्या महत्व है, सारा चीज़ पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का है। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, दिल्ली आरती से क्या समझते हैं, दिल्ली आरती से आप क्या समझते हैं, दिल्ली आरती किसे कहते हैं। ठीक, तय लेना है। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या,
मेरे भाई कि देहली तरंगधर। अब आपको पता होना चाहिए कि देहली तरंगधर काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना, इसलिए इसको भी तैयार रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, अपने से ना 2025 में चांसेस पाई जाती है। 26 नंबर का है प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। 27 नंबर का है क्यूरी की परिभाषा, लेके क्यूरी की परिभाषा मेरे भाई और काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए तैयार जरूर कर लेना है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के चाहते हो मिलता रहे तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 27 नंबर बता दिया, बाकी है 2 नंबर वाला, तो अभी उसको और देखिए, तो है ना, तो अभी और देखिए। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जरूर कर देना, क्योंकि ये समय काफ़ी मेहनत लगती है, एक बार कर दो। ठीक, कमेंट जरूर कर देना, बस कमेंट के लिए बहुत उत्साहित रहता हूँ, कमेंट कर देना। तो 3 नंबर वाले हो गए। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि अब 2 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो 2 नंबर वाले भी आप देख लीजिए भाई। 2 नंबर वाले क्वेश्चन जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं सारे के सारे बताएंगे भाई, है ना, तो अब पूरा देखना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर वाले भी देख लो, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2 नंबर वाला जैसे मान लिया कि 6 क्वेश्चन आ गया, 2×6 तो मेरे भाई 12 नंबर तो पक्का हो जाएगा ना, इसीलिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन को भी तैयार करना है। आसान है, हमें आशा है कि आप लोग तैयार कर लिया होगा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या मेरा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता पहले निशान का है। ठीक, दूसरा नंबर क्या है कि विद्युत फ्लक्स किससे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स का बीमा तथा मात्रक सूत्र लिखिए। ये 2 नंबर तभी मिलेगा जब पूरा लिखते हो, बोर्ड एग्जाम का नियम होता है कि पूरा लिखो तभी नंबर मिलता है। ठीक, तीसरा नंबर क्या है, कूलाम के नियम तथा कूलाम के नियम का सदिश रूप, सदिश रूप किसे कहते हैं, ये पहले निशान का है मेरे भाई, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत ध्रुव किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसलिए इनको भी तैयार करना है। पांचवा नंबर क्या है कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, इसलिए इसको भी तैयार कर लेना। ठीक, छठा नंबर क्या है कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट की परिभाषा लिखिए, नंबर भी तैयार करना है मेरे भाई। छठा नंबर क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट की परिभाषा लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है यार, 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन है। सत्रह नंबर क्या है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, इनकी परिभाषित कीजिए। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या तात्पर्य, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ के बारे में समझाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए तैयार कर लेना। हम तो कहते हैं कि संधारित्र की धारिता जरूर तैयार कर लेना, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार भाई। 9 नंबर का लिखा कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र, विशिष्ट चालकता केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो 2 में से आपको एक तैयार कर लेना, क्योंकि इसमें भी आता है। ठीक, अगले साल तो नहीं आया लेकिन 2022-19 में आया, तो तैयार कर लेना, क्योंकि कुछ कहा जा सकता है। ठीक, आसान है, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। ठीक, 10वां नंबर क्या है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, एम्पियर के नियम किसे कहते हैं, परिपथीय नियम लिखने बोल रहा हूँ, केवल एम्पियर के नियम, अगर बोला जाएगा एम्पियर का निगमन कीजिए तो डायरेक्ट 5 नंबर का जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको केवल 2 नंबर अगर चाहते हो तो केवल इतना लिखाना है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक मेरे भाई, इनको भी तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद आता है 11वां नंबर क्या है कि नति कोण की परिभाषा लिखिए, नति कोण किससे कहते हैं, सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, तो ये आ सकता है। ठीक, इसलिए तैयार करना है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्या है, लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए, लेंस की क्षमता क्या है, किससे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, 14 नंबर क्या है कि रेडबर्ग नियतांक का मान लिखिए। ठीक, बस 2 नंबर क्वेश्चन या फिर बहुविकल्पी में आ जाएगा, तो इसलिए इसको भी तैयार करना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का अर्थ लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो इसलिए जरूर तैयार करना है। मैंने भाई, अगर आप इतना तैयार कर लेते हो ना, तो गारंटी के साथ कहता हूँ 90 या फिर 95% आएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 90 नहीं तो कम से कम 90 या फिर 95% आपका पक्का है आएगा। ठीक मेरे भाई, ये रही बात आपके ऊपर, 90 95 लाना चाहते हो तो इसको अगर आप तैयार कर लेते हो तभी तो आएगा ना, कुछ करना पड़ेगा तभी मिलेगा, ऐसे तो नहीं मिलता 95% ना पास। हाँ, बिना पढ़े आप पास हो सकते हो, मतलब 60-62 के क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेहनत करोगे तभी आपका अच्छा नंबर क्लियर होगा। तो मेरे भाई, आपको करना क्या है, इतना जरूर तैयार करना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, इसीलिए मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, ताकि आप लोग को नोट करने में आसान है। ठीक, और चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे तो प्लीज़ मेरे भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आपका कोई दोस्त है, ग्रुप वगैरह व्हाट्सएप पर बना है ना कॉलेज में या स्कूल में, अगर आपका ग्रुप वगैरह बना रखे हो बच्चों के साथ ट्यूशन में, तो प्लीज़ मेरे भाई शेयर कर देना यार। आपका अपना भाई तिवारी क्लासेस HM में आपका स्वागत है, आप शेयर कर देना, आपका अपना भाई है। तो मेरे भाई, जैसा कि मेरे दोस्तों को मेरा कहना समझ गए, आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं, तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।